साल 2020 सभी के लिए काफी मुश्किल भरा रहा था। जहां कोविड की दहशत की वजह से पूरे देश में मुश्किलें खड़ी हो रही थी, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अंदर से हिल चुकी थी। सुशांत के ऐसे अचानक जाने की वजह ढूंढते ढूंढते केस की कड़ी ड्रग से जुड़ गई और इसके चलते मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छे से तलाशी की, जिसमें ड्रग्स के मामले में एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई, जिसमें कई जाने माने सेलेब्स के नाम रिवील हुए। आपको बता दें कि लिस्ट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बांचिया का नाम भी शामिल है। जी हाँ, पिछले साल एनसीबी ने भारती के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा था और उनके प्रॉपर्टी से गांजा भी बरामद हुआ था, जिसके तुरंत बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एनबीसी ने इन शादीशुदा कपल के खिलाफ एनबीसी अदालत में 200 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। लेकिन दोनों ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट की और बेल पर बाहर आ गए। इस केस की वजह से भारती सिंह और हर्ष के करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। जहां इस केस से पहले भारती कोई न कोई शो को होस्ट करती थी, वहीं उन्हें अब बड़े शोज में छोटे किरदार में काम करना पड़ रहा है। अब देखना यह रह गया है कि क्या भारती अपने डूबते करियर को बचा पाएंगी या नहीं।